अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। इफ यू वॉन्ट टू शाइन लाइक द सन, फर्स्ट लर्न टू बर्न लाइक द सन। तो दोस्तों, आजकल AI वीडियो का बहुत ही ट्रेंड चल रहा है, तो अब देखें AI वीडियो कैसे बनाई जाती है। सबसे पहले मोटिवेशनल कोट्स मैंने सर्च किए हैं, ठीक है, तो आप देखते जाएं, समझते जाएं। मैं जल्द से जल्द आपको ये वीडियो में समझा दूंगा सारा कुछ कैसे बनाते हैं। ये आपने यहाँ से टेक्स्ट कॉपी करना है, ठीक है दोस्तों। ये आप देखते जाइएगा साथ के साथ मैं कैसे कर रहा हूँ। तो यहाँ से आपने जो आपको अच्छा लगे वो आपने टेक्स्ट कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको मैं अगले प्रोसेस पे लेके जाता हूँ। तो दोस्तों, टेक्स्ट कॉपी हो चुका है। गूगल पे एक बार दोबारा फिर जाना है, दोबारा आपने सर्च करना है 11 Labs, ठीक है दोस्तों। 11 Labs के नाम से एक वेबसाइट है, तो आप जैसे लिखेंगे आप देख सकते हैं पहले नंबर पे 11 Labs लिखा हुआ है। तो इसमें जाएंगे आप, जो नीचे खाली जगह है वहाँ पे आपने अपना टेक्स्ट कॉपी कर देना है, पेस्ट कर देना है, कॉपी किया हुआ टेक्स्ट पेस्ट कर देना है। तो ये सेकंड प्रोसेस हो गया। अब नीचे प्ले का ऑप्शन आ रहा है, ये देखें, आप प्ले का बटन दबाएंगे, आप ऑडियो सुन सकते हैं जो भी है। ये मैंने रिकॉर्डिंग पर लगाई है तो वॉइस नहीं आ रही होगी, बट आप जब ये प्रोसेस करेंगे तो आप वॉइस सुन भी सकते हैं। और नीचे जो है आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं, वॉइस अच्छी लगी है, उसके बाद आपने डाउनलोड करना है। ऊपर देख सकते हैं आप, डाउनलोड का ऑप्शन आया, तो ये फाइल डाउनलोड हो चुकी है। अब एक मतलब फिर आपको गूगल पे जाना है, लेक्सिका के नाम से आपने सर्च करना है वेबसाइट। तो जैसे आप ओपन करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे सारे AI जो है पिक्चर्स आ रही हैं। तो यहाँ पे आपने अपनी कंट्री की या जो भी लिखना है आपने यहाँ पे लिखें। मैंने लिखा है पाकिस्तानी यंग मैन, ठीक है, मैंने पाकिस्तानी यंग मैन लिखना है। अब देखते हैं क्या आता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं क्या क्या आई हैं तस्वीरें, इनमें से मैं एक सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। देख सकते हैं आप, फाइल डाउनलोड हो चुकी है। अब ये भी प्रोसेस कंप्लीट, अब अगले प्रोसेस पे जाते हैं। अगला प्रोसेस आपको क्या है कि DIDAI के नाम से वेबसाइट है, आपने वो सर्च करनी है, फर्स्ट वाली सेलेक्ट करनी है। और आप स्क्रॉल करेंगे, नीचे जाएंगे, नीचे लिखा हुआ होगा क्रिएट फ्री AI वीडियो, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन खुल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये ओपन करने के बाद ये जो है पर्पल वाला जनरेट वीडियो, आपने एक और काम करना है, इसमें डेस्कटॉप आपने सेलेक्ट करना है। तो वो करेंगे, आपके पास जनरेट वीडियो का ऑप्शन खुल जाएगा और ये जनरेट वीडियो पे क्लिक करेंगे, आपसे ईमेल आईडी भी मांगेगा, तो आपने वो ईमेल आईडी भी दे देनी है। उसके बाद आप जो है तस्वीर वगैरह ऐड करेंगे, तस्वीर जो आपने डाउनलोड की हुई है वो आप इधर सेलेक्ट करें। तो ऊपर देख सकते हैं आप भाइयों, दोस्तों, प्यारों, मेरी सेलेक्ट की हुई वीडियो यहाँ, पिक्चर यहाँ पर आ चुकी है। अब यहाँ पर एक जगह स्क्रिप्ट लिखा हुआ है और साथ ही में ऑडियो का ऑप्शन है, आप साइड पे करेंगे तो ऑडियो खुल जाएगा। नीचे फिर खाली जगह पे आपने क्लिक करना है, तो यहाँ पर अपने जो वहाँ पर ऑडियो आपने डाउनलोड की है, आप यहाँ पर ना अपनी वॉइस वाली ऑडियो भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो अपनी वॉइस भी डाल सकते हैं। तो मैंने जो डाउनलोड किया है उस पर जाता हूँ, वो सिलेक्ट करता हूँ। ये नीचे आप देख सकते हैं 11 Labs लिखा हुआ है, वहाँ से मैंने जो डाउनलोड की थी तो उसको भी सिलेक्ट करता हूँ। मैंने अपनी फाइल सिलेक्ट कर ली है, तो अगर तुम अब ऊपर आ रहा है जनरेट वीडियो का ऑप्शन, आप प्ले करके भी देख सकते हैं, आप कंफर्म करने के लिए कि वो ये ऑडियो है कि नहीं है, ठीक है। ये करने के बाद ऊपर जनरेट वीडियो का ऑप्शन आ रहा है, तो आपने उसके ऊपर क्लिक करना है।
आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह आपके सामने पेज आ जाएगा। तो क्रिएट वगैरह आपको जब देखेंगे तो समझ जाएंगे जो जो भी आपको करना है। तो डाउनलोड का ऑप्शन आएगा तो डाउनलोड आपने फाइल कर लेनी है। क्रिएट वीडियो के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास अगर इस तरह खुल जाएगा। तरह चमकना आप प्ले करके देखें तो आपको मजी है, नीचे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। इफ यू वांट टू शाइन लाइक द सन फर्स्ट लर्न टू बर्न लाइक द सन, ये देख सकते हैं आप। डाउनलोड पे क्लिक कर दिया मैंने। तो ये मेरी फाइल डाउनलोड हो चुकी है। अच्छा दोस्तों, आपने ये काम लाजमी कर देना है कि ये जब आप AI वीडियो बनाएंगे तो इसके ऊपर ना उसका वाटरमार्क होता है, उसका वेबसाइट का नाम होता है, नीचे देख सकते हैं। तो आप अपने इन शॉर्ट में या कैपकट में जो भी आप ऐप यूज़ करते हैं उसमें जाके आपने इसको जूम आउट करके इसका ये रिमूव कर देना, हटा देना, मतलब क्रॉप कर देना। तो इस तरह आप वीडियो को आप अपने चैनल पे लगा सकते हैं, जहाँ भी आपने यूज़ करना है आप कर सकते हैं। तो इस तरह कॉपीराइट नहीं आएगा, उम्मीद है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।